होप यू ऑल आर डूइंग योर स्टडीज तो आगे नेक्स्ट पार्ट जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आर आर बी एनसेट की प्रेपरेशन रेगुलरली ट्वेल्व थर्टी जो है वीडियो आती है एनसी की हम ऑलरेडी फोर्टीन हंड्रेड टेन क्वेश्चन कर चुके हैं फोर्टीन हंड्रेड इलेवन क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं सो देखो बच्चे आर आर बी के लिए अब आप लोगों के पास टाइम थोड़ा सा कम है तो आप अच्छे से प्रेपरेशन करो और बैचेस भी आपके हो गए हैं अब ऑफर्स पे तो फटाफट से अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो ऑन द ऑफर्स आप दोनों बैचेस फॉर आर आर बी एक है इंपॉर्टेंट topic batch ठीक है और एक है आपका फुल थ्योरी बैच डियर सो ये दोनों बैचेस में ये डिफरेंस है कि जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच जो कि पहले 1500 का था अब हो चुका है वन थ्री डबल नाइन का जिसमें हम हर एक सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि 200 प्लस रहने वाले एम सी क्यू क्लासेस टेस्ट सीरीज डाउट क्लासेज एंड प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे एंड अगर किसी भी बच्चे को बेसिक से करना है प्रॉपरली थ्यूरी करनी है तो थ्यूरी वाला बैच जो टू का था अब हो गया है टू का ठीक है सो so, ये जो बैचेज हैं आपको कंप्लीट सिलेबस के साथ नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग मिलेगा सो इसमें हम सबसे पहले बेसिक आपका करवाया जाएगा नैटमी एंड फिजियोलॉजी फुल थ्योरी की क्लासेस होंगी इसमें इसमें भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को करवाऊंगी एम सी क्यू क्लासेस रहेंगी टेस्ट सीरीज डाउट क्लासेज एंड प्रीवियस ईयर पेपर सो कहने का मतलब है ऑल इन वन ये फुल बैच है आप लोगों का फटाफट से आप मेरे से बात करके इस पर कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं दोनों ही बैचेज में नॉन नर्सिंग क्लासेज जो हैं आपकी लगेंगी हर एक टाइप का एम सी क्यू नॉन नर्सिंग का करवाया जाएगा तो आप अब टाइम वेस्ट मत करो बिकॉज जितना आप लेट करोगे उतना आप लोगों के लिए टाइम वेस्ट है ठीक है और मैं तो ये कहूँगी कि फटाफट से आप लोग ज्वाइन कर लो अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं एंड चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे सो सबसे पहला क्वेश्चन है आइसोनाइज हैज बीन प्रिस्क्राइब फॉर द फैमिली मेंबर एक्सपोज टू ट्यूबर क्लासेज द नर्स इज अवेयर डेट द लेंथ ऑफ टाइम दैट द मेडिकेशन विल बी टेकन इज तो आइसोनाइज जो है एक पेशेंट है जो कि एक्सपोज ऑफ हो गया है ट्यूवर क्लासेस से तो नर्स उसे ये जो मेडिसिन है वो दे रही है तो उसको हम क्या बताएंगे कि ये जो मेडिसिन है वो कितने टाइम तक उस पेशेंट को लेनी पड़ेगी ऑप्शन है सिक्स मंथ्स तक थ्री मंथ्स तक एटीन मंथ्स तक ट्वेंटी फोर मंथ्स तक तो आपने सुनी होगी जो डॉट्स थेरेपी होती है ठीक है जो डॉट्स थेरेपी होती है अप्रॉक्सीमेटली उसका जो टाइम होता है हर एक मेडिसिन का दैट इज योर सिक्स मंथ सो आर आई पी ई एस करके आपने पढ़ा है जिसको हम रिफापसिन बोलते हैं

ठीक है ट्यूबर क्लासिस वाले पेशेंट को आप जो है डॉट्स थेरेपी देते हो नेक्स्ट है रिसाइकलिंग ट्यूबिंग कैथेटर विल बी डिस्पोज्ड इन विच बैग अकॉर्डिंग टू द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट तो जो ट्यूबिंग कैथेटर्स होते हैं रिसाइकल्स करने होते हैं आपने ग्लव्स हो गई ये सारी चीज़ें आप किस बी बी डब्ल्यू एम के हिसाब से डालते हो सो बायोमेडिकल वेस्ट के हिसाब से रेड में डालते हो येलो में ब्लू में या फिर वाइट में देखो रेड और येलो से बहुत क्वेश्चन आते हैं ठीक है सो so, वो जो है हमारा जाता है इन द रेड वाला बैग ठीक है अगर आपको पूछे येलो वाले बैग में तो देखो येलो वाले बैग में जितना भी अनाटमिकल वेस्ट होता है इससे क्वेश्चन आया है ठीक ठीक है है, है है ना कि जो anatomical waste है, part है body का है? अगर जैसे आपने किसी की लेग एम्पीट्यूट की है जितना भी है वो सारा आपके येलो बैग मतलब रिपीटेडली येलो बैग से part का क्वेश्चन आता है और रेड बैग से हमेशा का क्वेश्चन आता है तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड तो पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रीटेड होता है कैल्सिटोनिन, ग्लूकोकोटिकॉइड ग्लूकागन प्रोलैक्टिन। सो so, प्रोलैक्टिन जो है वो कहाँ से होता है ये हमारा जो प्रोलेक्टन हार्मोन है ठीक है ना जो हमारा प्रोलेक्टन हार्मोन है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीटेड होता है कैलसीटोन जो है आपके ये रेगुलेट होते हैं बाय द पैराथोर ग्लैंड ग्लूकोकॉटिकॉयड्स जो है ठीक है कौन ग्लूकोकॉटिकॉयड्स जो है ये आपके एड्रीनल कॉटिक्स एड्रीनल ग्लैंड से होते हैं एंड जो ग्लूकागन है वो पैनक्रिया से होता है तो जो प्रोलेक्टन है वो सिक्रीट होता है बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड नेक्स्ट है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर एंड द टाइम इम्प्लॉयड फॉर ऑटोक्लेव इन अ रूटीन बैक्टीरियोलॉजिकल लेबॉर्ट्री तो ऑटोक्लेव जब होता है बैक्टीरियोलॉजिक ओलॉजिकल लेबॉर्ट्री में तो उसका कितना टेम्परेचर और कितना टाइम रखते हैं 132 थर्टी टू डिग्री सेल्सियस फॉर एट मिनट्स वन फोर्टी डिग्री सेल्सियस फॉर ट्वेंटी फाइव मिनट्स वन टेन डिग्री सेल्सियस फॉर थर्टी मिनट्स वन ट्वेंटी वन डिग्री सेल्सियस फॉर फिफ्टीन मिनट्स तो ये रिपीटेड आर आर बी का क्वेश्चन है सो so, ये जो है वन टू वन डिग्री सेल्सियस फॉर फिफ्टीन मिनट्स जो है इसका टाइम रहता है जब आप एक ऑटो क्लेविंग करते हो सो so ये जो है कभी कभी अकेला टेम्परेचर पे भी पूछ लेते हैं और अकेला टाइम पे भी पूछ लेते हैं तो टाइम होता है इसका फिफ्टीन मिनट्स और इसका जो टेम्परेचर होता है दैट इज वन डिग्री सेल्सियस नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ प्रेवलेंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस इन द कम्युनिटी सो जो कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस चलती हैं कम्युनिटी में वो किस इंडिकेटर के हिसाब से चलती हैं सो कपल प्रोटेक्शन रेट के हिसाब से कपल फर्टेलिटी रेट के हिसाब से स्मॉल फैमिली नॉर्म्स के हिसाब से गॉड्स रिप्रोडक्शन रेट सो कपल प्रोटेक्शन रेट के हिसाब से जो है सी आर सी पी आर सो ये जो है बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ठीक है कपल प्रोटेक्शन रेट के हिसाब से कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस जो है कम्युनिटी में चलाई जाती हैं कि कई अनवांटेड प्रेगनेंसीज को कम करने के लिए एस को कम करने के लिए ठीक है एस को कम करने के लिए सो अकॉर्डिंग टू द इंडिकेटर ऑफ जितना कपल प्रोटेक्शन रेट होगा उसके हिसाब से कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस जो है कम्युनिटी में रन की जाएंगी सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बैचिस का बता दूँ बच्चे टाइम देखो पूछ रहे मैम आर का पेपर कब है नवम्बर में आपका पेपर जो है कभी भी हो सकता है ठीक है सो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास जो है अब टू मंथ्स का टाइम बचा है ठीक है बैच स्टार्ट नवंबर so में आपका कभी भी पेपर हो जाएगा सो आई थिंक कि अब आप लोगों को बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए देखो अगर आपको पेपर निकालना है ये वैकेंसी आफ्टर टू थ्री फोर ईयर्स के बाद जो है आने वाली है तो आप कोई भी बैच अगर आपका बेसिक क्लियर है तो ये बैच बेस्ट है आप लोगों के लिए जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच रहेगा जो कि पूरा आपको इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि टू प्लस रहने वाले हैं एमसीक्यू क्लासेस हर एक सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज मिलेंगी टेस्ट सीरीज मिलेंगी डाउट क्लासेस रखते हैं प्रीवियस ईयर पेपर भी हम इसमें करेंगे और नॉन नर्सिंग क्लासेस इसमें रहेंगी जो अगर आपको बेसिक क्लियर करना है तो टू टू वाला बैच जो है जिसमें हम बेसिक एंड फिजियोलॉजी सारी थ्यूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज डाउट क्लासेज एंड प्रीवियस ईयर पेपर सो कोई भी बैच जो है आप ज्वाइन कर सकते हो देखो जो बैचेस है वो शुरू हो चुके हैं सो डीले मत करो ताकि आप लोगों का प्रेपरेशन जो है अच्छे से हो जाए बैचेस जो है लाइव प्लस रिकॉर्डेड है आपको लाइव भी मिलेगा एंड रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी नॉरसेट एट के लिए भी इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुकी है तो आप मेरे से इस नंबर पे बात या फिर मैसेज करके कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं सो so, चलती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटीडोट यूज फॉर आयरन टॉक्सिसिटी तो कौन सा एंटीडोट आयरन टॉक्सिसिटी के लिए यूज होता है एन एसिटाइल सिस्टीन ट्रॉपिन एट्रोपिन सॉरी चारकोल या फिर डेस्ट सो आयरन का एंटीडोट जो है यूज होता है आयरन टॉक्सिसिटी के लिए एंटीडोट जो है वो यूज होता है नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनिस्ट्रेशन प्रोवाइड रैपिड रिस्पॉन्स इन द पेशेंट तो कौन सा रूट जो है इनमें से रैपिड रिस्पॉन्स देता है पेशेंट को अगर हम उसे उस रूट से एडमिनिस्टर करें मेडिसिन ओरल सब सबक्यूटेनियस इंट्रामस्कुलर सो इट्स अ सब लिंगल जो है डायरेक्टली इन द ब्लड स्ट्रीम में जो है मेडिसिन देता है और इसका जो रिस्पांस है वो आपको विद इन फ्यू सेकंड्स जो है मिल जाता है पेशेंट जो है रैपिड रिस्पांस होता है मेडिकेशन का अगर आप सब लिंग्वेल पेशेंट को मेडिसिन देते हो जैसे कि नाइट्रोग्लिसरिन आप देते हो ड्यूरिंग द अनजाइना चेस्ट पेन तो वो सब लिंग्वली दी जाती है और उसका जो रिस्पॉन्स है वो विद इन सेकेंड्स जो है आपको देखने को मिलता है नेक्स्ट है टेन ईयर ओल्ड चाइल्ड विद अस्थमा इज एडमिटेड टू द वार्ड विच ऑफ़ द फॉलिंग ऑब्जर्वेशन नीड इमीडिएट एक्शन बाय द नर्स तो दस साल का बच्चा अस्थमा वाला एडमिट हुआ है वार्ड में सो तो इनमें से कौन सी ऑब्जर्वेशन जो है इमीडिएट एक्शन प्रोवाइड मतलब मांगेगी नर्स का सिटिंग अपराइट एंड रिफ्यूजिंग टू लाई डाउन ब्रीथिंग रेट ट्वेंटी पर मिनट रिफ्यूजिंग टू ईट फूड ऑक्सीजन सेचुरेशन नाइनटी सिक्स परसेंट सो देखो अगर बच्चा सिटिंग अपराइट और लाई डाउन नहीं कर रहा है सो इट मीन्स के पेशेंट को सांस लेने में क्या रही आ रही है प्रॉब्लम आ रही है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग क्यों क्योंकि देखो अगर लाई डाउन करता है तो चेस्ट इतना ज़्यादा इन्फ्लेट नहीं होती और पेशेंट जो है रिफ्यूज कर रहा है लाइट डाउन के लिए और वो सिटिंग पोजिशन में ही रह रहा है है, तो मीन्स उसके जब वो सीटिंग में बैठता है ना तो उसके लंग्स प्रॉपरली इन्फ्लेट कर जाते हैं और इन्फ्लेशन की वजह से वो इजिली सांस ले पा रहा है पर उसे डर है कि कहीं वो लेट जाएगा तो उसे सांस नहीं आएगी तो ऑप्शन नंबर वन जो है वो राइट रहेगा नेक्स्ट पे चलते हैं नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलिंग ग्लैंड सिक्रीट्स हार्मोन टू मेंटेन नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी तो इनमें से कौन सा ग्लैंड है वो हार्मोन्स को रिलीज करता है जो बॉडी का मेटाबॉलिक रेट जो है वो मेंटेन करके रखते हैं ठीक है सो so, आपके पास ऑप्शंस देख लेते हैं सो so, आपके पास ऑप्शन है थायरॉयड ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड एडिडनल ग्लैंड या फिर पेनक्रियास तो देखो मेटाबॉलिक रेट जो है वो मेंटेन करने के लिए T3 थ्री एंड टी हमें चाहिए होते हैं सो so, ये T3 थ्री एंड टी हमारे रिलीज होते हैं फ्रॉम द थायरॉयड ग्लैंड ठीक है तो इनमें से कौन सा ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करता है हारमोन सो so, इट्स अ टी थ्री एंड टी फोर एंड थ्री एंड जो आपका थायरोक्सिन हार्मोन है ये जो दोनों हार्मोन है बेजल मेटाबॉलिक रेट एंड मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी मतलब डाइजेशन ऑफ द बॉडी जो है उसमें हेल्प करते हैं हार्ट रेट को मेंटेन करते हैं टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं नेक्स्ट है आर्टरी विच सप्लाई ब्लड टू द हेड एंड नेक इज सो जो आर्टरी हेड एंड नेक को सप्लाई करती है ब्लड इट इज़ कॉरनरी आर्टरी कैरोटेड आर्टरी मेजेंट्रिक इंट्रा इंट्राकॉसल आर्टरी सो इट्स अ कॉरनरी आर्टरी जो कि सॉरी इट्स अ सॉरी सॉरी कैरोटेड आर्टरी जो कि हेड एंड नेक को सप्लाई करती है नेक्स्ट है द कॉज फॉर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अमंग द फॉलोइंग इज तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का इनमें से कौन सा कॉज है मोस्ट कॉमन हाइपर वेंटिलेशन एक्सेट्री ऑब्सट्रक्शन डायबिटिकटो एसिडोसेज सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का मोस्ट कॉमन कौन सा कॉज है ठीक है सो so जो मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा एजेंट जो है आप यूज नहीं करते एज अ केमिकल केमिकल ए रेडिएशन देखो जो रेडिएशन वो तो रेज है ठीक है वो कोई केमिकल एजेंट नहीं है सो रेडिएशन जो है वो नहीं यूज होता सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दीजिएगा चैनल को एंड बच्चे बैचेस पर लग चुके हैं ऑफर और बहुत ही अच्छे ऑफर वन थ्री डबल नाइन का इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैच है फुल थ्यूरी बैच है टू टू डबल नाइन का दोनों ही बैचेज बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं आप मेरे से बात करके इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आपको बेसिक से स्टार्ट करना है तो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं दोनों में ही नॉन नर्सिंग क्लासेस करवाई जाएंगी लाइव एंड रिकॉर्डेड रहेगा सो so, मिलती हूं नेक्स्ट क्लास में टिल देन डू हार्ड वर्क मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड बी रेडी बाय ट्वेल्व थर्टी ऑल द बेस्ट